Okay. So accounting process, basic accounting procedures for a journal entries. This is a one of the important segment for any businesses. I'll show you the backend data as well. So engineers, they need all these informations to enter into the backend database, where we guys means operation teams, they can, you know, work on the similar kind of things at a front office. Okay. So this is a very important. सो पहले तो अकाउंटिंग को जैसे मैंने रूल कहा कि भाई अगर बिजनेस का नेचर पता नहीं है, इफ़ यू डोंट नो द नेचर ऑफ अ बिजनेस और अ ट्रांजैक्शंस, देन वी माइट सी द डिफिकल्टीज टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज. क्योंकि अकाउंटिंग का तो मतलब ही वही है, टू रिकॉर्ड द एंट्रीज. रॉ एंट्रीज होंगे या फिर हमें इंटरप्रिएट करना है एंड उसको रिकॉर्ड करना है, एंड दैट रिकॉर्डिंग इट शुड बी डन एज पर द अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स और कॉन्सेप्ट्स और अदर रूल्स. क्योंकि रूल हर एक सब्जेक्ट में रूल्स होते हैं, हर एक. तो वैसे अकाउंटिंग में भी रूल्स है, तो वो रूल्स हमें फॉलो करने हैं. देन समराइज. समराइज मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? वी हैव अ सिस्टम, मेन लेजर एंड सब लेजर. सो वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस टू द मेन लेजर एज वेल एज वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस टू द सब लेजर. तुम फंड अकाउंटिंग से हो, तुम्हें पता है कि मेन लेजर क्या होता है? कैश बुक है. सब लेजर का मतलब है कि एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कि मैनेजमेंट फीस, डायरेक्टर फीस, ऑडिट फीस एंड नंबर ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल. सो हम क्या करते हैं कि भाई अगर जो एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज वेल एज टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर्स हेड बुक एज वेल और सब लेजर. तो वो क्या हुआ? समराइज हुआ. क्योंकि अगर वो पता नहीं है सिस्टम, समराइज कैसे करना है वो पता नहीं है, तो भी चैलेंजेस बनेंगे, है ना. सो द इंपॉर्टेंट इज पहले रिकॉर्डिंग होगा, बाद में समराइज होगा, एंड उसके बाद उसको इंटरप्रिएट करो. इंटरप्रिटेशन का मतलब है दैट यू कैन कन्वर्ट ऑल द डेटा इनटू रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स. ट्रेड बुक, पीएनएल, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, कैश आउटफ्लो इनफ्लो बुक और कैश फ्लो फंड स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, पीएनएल, राइट. ये क्या है? इंटरप्रिटेशन है. इंटरप्रिएट करना है उस डेटा को, कि जो डेटा हमने रिकॉर्ड किया हुआ है सिस्टम में, राइट. तो आज हम देखेंगे, अभी ये बेसिक अकाउंटिंग का जो फंडा है उसके ऊपर कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स है? नहीं सर. ओके. एज एन अकाउंटेंट, व्हाट यू रिक्वायर्ड टू इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डेटा और टू समराइज द फाइनेंशियल डेटा, व्हाट यू रिक्वायर इन अ नॉर्मल बिजनेस आल्सो, वी रिक्वायर्ड अ सोर्स, रिसीट्स, डॉक्यूमेंट्स, कुड बी फॉर अ बिल पेमेंट्स, राइट. क्योंकि अगर एक कंपनी है तो हम बोलते ना कि वेंडर भी अगर है बिजनेस का तो बोलते भाई रिसीट दे दो. व्हाई? बिकॉज माय सीए विल आस्क, माय अकाउंटेंट विल आस्क फॉर अ रिसीट. दैट रिसीट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज दैट वर्क एज अ बैकअप और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. यहां पे हम कहते हैं कि सर फंड अकाउंटिंग में तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ होता नहीं है, अभी हम तो कुछ करते नहीं है. ये किसने कहा? जो तुम्हारा कस्टोडियन का अकाउंट का स्टेटमेंट है वो क्या है? ब्रोकर का जो अकाउंट है, ब्रोकर के अकाउंट का स्टेटमेंट है वो क्या है? सोर्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट. वी आर नॉट डूइंग अकाउंटिंग इन द डीमैट अकाउंट, नॉट इवन इन अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड नॉट इवन इन अ कैश बैंक अकाउंट. मीन्स जो अकाउंट्स हमारा एजेंट बैंक के साथ पड़ा हुआ है उसमें भी हम चेंजेस नहीं कर सकते, बट वी कैन रेफर द डेटा फॉर ऑल सच अकाउंट्स एंड वी कैन इंटरप्रेट द डेटा एंड रिकॉर्ड इन द इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको हम जेनेवा, जेनेसिस, MCH और क्या क्या नाम देके बोलते हैं, है ना.
यही करते हैं ना, ब्रोकर हमें सेंड करता है ना स्टेटमेंट, या फिर ब्रोकर के साइट का, अगर तुम्हारा फंड का अगर अकाउंट्स है तो फंड मैनेजर्स दे एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर अकाउंट एंड दे डाउनलोड द स्टेटमेंट एंड सेंड इट टू अस. वी रेफर दैट स्टेटमेंट टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज एंड टू प्रिपेयर द मेन लेजर एंड सब लेजर एंड अदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. यही करते हैं. मैं बार बार फंड की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल अगर अकाउंटिंग समझ में आई है तुम्हें, तो वो हर चीज़ तुम जो फंड की तरफ जा रही है वो पूरी लिंक करो. मेरा इंटेंशन यही है, वो हर चीज़ जो फंड की तरफ तुम्हें लेके जाएगी वो पूरी चीज़ें लिंक होनी चाहिए, है ना. यस सर, तुमने मानो कि चलो जर्नल एंट्रीज भी तुमने प्रिपेयर कर दिए बिकॉज तुम्हारे पास कस्टोडियन, ब्रोकर अकाउंट एंड अदर, यू हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दी अकाउंट्स. सो देन यू कैन समराइज दैट ऑल दी अकाउंटिंग एंट्रीज टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. लेट से फंड फंड पर्चेस द सिक्योरिटीज, दैट सिक्योरिटीज शुड बी ट्रांसफर टू द परचेस बुक एंड इवन शुड बी, इफ द ट्रेड इज लाइक यू हैव पर्चेस द सिक्योरिटीज ऑन कैश, इट मीन्स कैश शुड बी recorded or projection should be recorded on cash book as well. If the fund sold the securities, that should be recorded to the cash book as well as to the sales book. If have occurred or incurred some expenditures, incurred expenditures like let's say broking fees, commission, then the other promotional expenditures and all, that should be recorded to the trading book, to the P&L, टू दी अदर बुक्स. और यहां पे हम बात करेंगे तो कैश बुक, या फिर दो ही बुक तुम्हें जिंदगी में देखने को मिलेंगी, ये दो ही बुक्स, एक होता है कैश बुक और दूसरा होता है कैश बुक के अगेंस्ट जो जाएगा उसको हम मास्टर बुक कहेंगे. कैश बुक के अगेंस्ट जितनी भी चीजें रिकॉर्ड होती है उसको लीजर कहो. इसके अलावा कहीं पे भी कुछ भी अलग सा अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, समझ गए लॉजिक. उसके अलावा अकाउंटिंग का कुछ भी सिस्टम यहां पर एग्जिस्ट ही नहीं है. ये दो ही चीजें होती है, एक तो मास्टर बुक है जहां से हम कैश, जैसे अगर तुम्हारी सैलरी तुम्हारे सैलरी अकाउंट को आती है तो तुम क्या करते हो, तुम जिसके पैसे देने उसके पैसे देते रहते हो ना. एंड अगर रिकॉर्ड करना है तो कैसे करोगे फिर, बैंक स्टेटमेंट वर्सेस तुम्हारे एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम, वही करोगे ना जिसको तुमने दिया है. सही कह रहा हूं. तो ये बैंक स्टेटमेंट क्या हुआ तुम्हारा भाई, हम स्टेटमेंट स्टेटमेंट करके चिल्लाते रहते रिकॉर्ड प्रोसेसेस में, स्टेटमेंट आया क्या, स्टेटमेंट आया क्या, स्टेटमेंट आया क्या. लेजर मतलब हमने सिस्टम में हमने कुछ क्रिएट किया हुआ है, हम कुछ पे करने वाले हैं, हम कुछ ऐड करने वाले हैं, दैट वी कंसिडर एज अ लेजर बिकॉज दैट लेजर क्रिएटेड फ्रॉम द इंटरनल एक्टिविटीज. वी हैव एडेड समथिंग, डेफिनेटली वी हैव एडेड समथिंग और रिमूव समथिंग, मे बी अमेंडेड समथिंग, दैट्स द रीजन द लेजर हैज बीन क्रिएटेड इन द सिस्टम. क्योंकि लेजर एक बुक होता है, क्योंकि बुक हमारे अकाउंट में है क्रिएटेड वाला. एंड जो स्टेटमेंट, इट मीन्स जो बैंक अकाउंट मॉर्गन स्टैनले के साथ है, जेपी मॉर्गन के साथ है, एचडीएफसी के साथ है, उस बैंक अकाउंट में सैलरी के जैसा कुछ ना कुछ कैश एक्टिविटी हुआ है. हो सकता है कि वो कैश एक्टिविटी हमारी टीम्स ने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि परचेस करो, सेल्स करो, फीस पे करो, फीस आइए एक्सेप्ट करो, हो सकता है ना पॉसिबिलिटीज. तो इसलिए दैट वी रेफर द बैंक स्टेटमेंट टू डू द अकाउंटिंग, टू रिकनसाइल द पेमेंट्स, टू परफॉर्म द ऑडिट अकाउंटिंग. और एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, सी ए के पास गए तुम, बोला कि सर मेरी अकाउंटिंग कर दो ना क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा जा रहा है. सी ए क्या बोलता है तुम्हें, पहला सवाल होता है कि भाई सैलरी जिस अकाउंट पर आती है उसका स्टेटमेंट दे दो मुझे, यही होता है ना. फिर बोलता है ठीक है ये दिया, बोलता है कि कहीं इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के जितनी भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है उसके पूरे स्टेटमेंट्स दे दो. तो ये बोलता है कि भाई तुम्हारा बैंक का पासवर्ड वगैरह दे दो, देन आई विल मेक सम अमेंडमेंट्स इनटू इट एंड देन विल डू द अकाउंटिंग फॉर इट. कैन ही से
CAC टू अस नो राइट, क्योंकि हम कर नहीं सकते उसे कुछ, हम सिर्फ अकाउंटिंग जैसे CA करते नॉर्मल अपने ज़िंदगी में, वैसे ही अकाउंटिंग हम फंड के जितनी भी अकाउंट्स है, देखो सिंपल सी बात है, एक फंड अलग अलग एंटिटी के साथ, अलग अलग ब्रोकर के साथ, अलग अलग कस्टोडियन के साथ अपने अकाउंट्स होल्ड करता है, एंड अलग अलग बैंक में उसका अलग अलग करेंसी में पैसा भी आता है। जैसे कि अगर मैं एक इंटरनेशनल फर्म हूँ तो मेरे 10 अकाउंट्स है, एक USD के लिए, US के लिए, JPY के लिए, INR के लिए, अलग अलग कंट्री से इन्वेस्टर से मेरे पैसा आता है, तो मुझे अलग अलग कंट्री के इन्वेस्ट बैंक्स भी चाहिए, हु कैन हेल्प अस टू मैनेज माई कैश ट्रांजैक्शंस, हु कैन हेल्प अस टू ट्रांसफर द फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, हु कैन हेल्प अस टू मैनेज द FX ट्रांजैक्शंस, क्योंकि जब मुझे अलग करेंसी में पैसा आता है तो वो करेंसी मुझे आगे बढ़ने का डर होता है ना, तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए, गिरती है तो ठीक है मेरा फायदा है, तो मैं लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट बुक करने पड़ेंगे मुझे, तो ये पिक्चर में आती है, तो ये दिमाग ऐसे हैंग हो जाता है कि भाई नेटवर्क जैसे जैसे मैं आगे चीज़ें बात करूँगा तो अरे यार इतनी भी सारी चीज़ें होती है ऐसा चीज़ें, ठीक है। फिर अलग अलग अगर 10 जगह पर मैंने NYSE, NSE, कई जगह पर मैंने अपने अकाउंट्स भी लिस्ट करे हैं, तो भी उसके लिए भी अलग अलग ब्रोकर्स होंगे, तो उस ब्रोकर्स अलग अलग अपना स्टेटमेंट भेजेंगे, है ना, तो उन सबको रिकनसाइल करो, उन सबको वैलिडेट करो एंड अकाउंटिंग करो। ज़रा सोचो, अकाउंटिंग जो है वो नॉर्मल अकाउंटिंग है, उसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है कि भाई अलग अकाउंटिंग है ये, पहली बात तो वो एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, कैश का बिजनेस करते वो लोग। दूसरी बात नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, जिसमें हमें ये कैटेगराइज करने नहीं आता है कि एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, क्योंकि अगर कैटेगराइज करने आया तो हमारे पास अकाउंटिंग के रूल्स हैं, भी बोर्ड पे लिख के रख दो एंड वैसे अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर करो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें करने से, क्योंकि वो तो अकाउंटिंग रूल कहता है। सिक्योरिटी परचेस ऑन कैश, सिक्योरिटी आ जाएगी, कैश चला जाएगा, ये रूल कहता है अकाउंटिंग का, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है, अप्लाई कर दो। ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए भी है, नॉर्मल बिजनेस के लिए भी है, जितने भी बिजनेसेस है उन सब के लिए है। एग्जैक्टली, कैटेगराइजेशन के लिए ही 90% पीपल, देखो कई सारे हैं कि अकेडमिक्स में इतनी अकाउंटिंग अच्छी नहीं सिखाई जाती हम सबको, जिस एनवायरनमेंट से मैं आया था मुझे सिखाई गई, लेकिन काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस भी मैंने देखे जहां पर प्रोफेसर ही ट्रेंड नहीं होते हैं, क्योंकि कॉमर्स में ज़्यादा क्राउड नहीं बैठता था पहले, अब थोड़ा सा ट्रेंड आ गया है कि कॉमर्स भी पढ़ लेते हैं, 10-15 ही स्टूडेंट्स मिलते थे कॉमर्स में, आर्ट में पूरा जाता था, नहीं तो साइंस है ना, तो वहाँ के प्रोफेसर्स पढ़ाते नहीं थे, तो दिक्कत वहाँ से जनरेट हो गई एंड आके यहाँ तक पहुँच गई 90%। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अकाउंटिंग ले लूँगा, चैनल पे मैं डाल दूँगा वीडियोस, तो लेट्स सी कितना हेल्प करता है जो बंदे, बट जो मैं कह रहा हूँ वो लिंक कर पा रहे हो, समझ रही है चीज़ें? यस सर। या फिर कोई उसमें भी दिक्कत आ रही हो तो मैं फिर नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में लिंक क्यों करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि फिर उसके लिए सेपरेटली ज्ञान देना पड़ेगा, तो इसलिए जो हम सीख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में एक विजुअल्स तैयार होने चाहिए, बनने चाहिए। हाँ यार अकाउंटिंग ऐसे दिखती है, ट्रांजैक्शंस ऐसे दिखते हैं, ऐसे फील होना चाहिए, तब तुम सीखने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एनीवेज, कुछ भी डाउट्स आता है तो मुझे देन एंड देयर पूछो। अभी ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस सी विच इज़ नथिंग बट इट जस्ट समरी ऑफ ऑल द बैलेंसेस फ्रॉम अ लेजर अकाउंट्स, लेजर और मेन लेजर अकाउंट्स, क्योंकि अगर हमने मेन लेजर्स और सब लेजर्स प्रिपेयर कर दिया, फंड अकाउंटेंट्स उनके डेली रूटीन लाइफ में वो अपना पूरा समय अकाउंटिंग एंट्रीज पे बिताते हैं, मेन लेजर सब लेजर पे बिताते हैं, क्योंकि वही रिकॉन होता है। रिकॉन कैसे होता है पता है, मेन लेजर वर्सेस सब लेजर, यानी कि कैश बुक वर्सेस बाकी अदर बुक, ये कैश बुक है उसके अगेंस्ट जितनी भी बुक है, परचेस, सेल्स, एक्सपेंडिचर्स, उन सब के बैलेंसेस, मानो यहाँ पर अगर 100 है तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है, तो ये टोटल मैच होनी चाहिए। ये पूरा रिकॉर्ड का काम या फिर अकाउंटिंग का काम, अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करने का काम, ये पूरे फंड अकाउंटेंट करते रहते हैं, एंड अगर वो अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इनको रिकॉर्ड करने का काम रिकॉर्ड टीम करती है, इसलिए कहते हैं कि हम मेन लेजर वर्सेस सब लेजर रिकॉर्ड करते हैं। अलग है, अलग है, वो फाइनल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो अलग है पूरा। क्यों अलग है? क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ
इनकम कितना हुआ वो जानना चाहते हैं एंड उसमें से एक्सपेंडिचर्स माइनस करना चाहते हैं, बट ये तुम्हारे फाइनल अकाउंटिंग में नहीं आता, वो एक अलग सा स्टेटमेंट है कि जो तुम्हें सिर्फ इट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज, कि जो मैंने एक क्वार्टर में जितना सेल किया, जितना बेचा या फिर जितना मुझे इंटरेस्ट पेमेंट आया, जितना डिविडेंड आया, जो भी मैंने एक्सपेंडिचर्स पे किए, वो पूरी चीज़ें दैट वी रिकॉर्ड ऑन इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि मेरे पास टोटल नेट एक्सपेंडिचर्स कितने दिख रहे हैं, नेट इनकम कितना दिख रहा है, वो कैलकुलेट करने का काम इनकम स्टेटमेंट का है. ओके दूसरी चीज जो मैंने अभी ट्रायल बैलेंस अपना खत्म नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस एक समरी है जहां पर अपन पूरा बैलेंसेस जो है वो ट्रांसफर करके लेते हैं, पूरे बैलेंसेस वो ट्रांसफर करके क्यों लेते हैं, क्योंकि भाई एक हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट चाहिए कि जो हेल्प करेगा फाइनल अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के लिए, एंड अगर वो नहीं कर पाए तो इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन अ ट्रेड बुक पीएनएल एंड बैलेंस इट. एंड व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स. आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो अभी भी मार्केट में है, शेयर होल्डर्स ने होल्ड किए हुए हैं वो शेयर्स. आते हैं ठीक है, धीरे धीरे सब देखेंगे. तो ये जो ट्रायल बैलेंस है हमें फिर हमें प्रीपेयर करने के लिए मेहनत लगती है एंड वो पूरे अकाउंटेंट्स मिलके ट्रायल बैलेंस ही प्रीपेयर करते रहते हैं. एनएवी कैलकुलेशंस का मतलब है कि वो अकाउंटिंग डेट है, इस डेट को इस फंड की अकाउंटिंग हो रही है. एंड डेली लाइफ में हम क्या करते हैं फिर सर भी, अगर वो डेली अकाउंटिंग नहीं है, वो फंड है बट उसकी डेली अकाउंटिंग नहीं है, मानो मंथली है, तो थ्रू आउट द मंथ हम ट्रायल बैलेंस तक का काम पूरा करते हैं. हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, डेली अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उसको लेजर को पोस्ट करते हैं, लेजर के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस पे ले जाते हैं, वो प्रीपेयर करते हैं, है ना, ताकि हम मंथ एंड पे ऑन द बेसिस ऑफ और विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी कैन प्रीपेयर अ फाइनल अकाउंटिंग फॉर अ फंड. दिक्कतें है कुछ उसमें? नहीं सर. समझा आप, लिंक कर पा रहे हो? तुमको तुमने सुना होगा कि ट्रायल बैलेंस है, फिर मेन लेजर, सब लेजर, ब्रेक है, ये है, ऐसी चीजें सुनी होगी. तुम्हारी मंथली अकाउंटिंग है या फिर डेली है, क्या है? तो मंथली में तुमने तो ये सुना होगा फिर, ऐसे अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए, एज ऑफ ब्रेक, ये ब्रेक, वो ब्रेक, देखो चेक करो, कई सारे ऐसे वर्ड सुने रहेंगे. तो हमें सिर्फ सर रिपोर्ट से मतलब डेटा पुल करके एक्सेल शीट में उसको फिल करके जस्ट नाम कैलकुलेशन का रहता है. अकाउंट टीम अलग है. ओके चलो वो सब भी तुम धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी आइडिया कि भाई कि ये रिकॉन टीम ये सब है लेकिन करते क्या है एग्जैक्टली, इनका क्या रोल है. तो पूरी चीज़ें तुम्हें अपने आप क्लियर होती दिखेगी थ्रू आउट द, क्योंकि मेरा काम यही है. अकाउंटिंग एक बार तुमने अगर सीख लिया, बेसिक भी अकाउंटिंग अगर सीख ली ना बेटा, वही एडवांस लेवल की है. हमें लगता है ऐसे कि नहीं सर कुछ ना कुछ एडवांस है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो ये तुम्हारा कैश बुक है, ठीक है, जो हमने कैश बुक अभी तक चिल्लाया कि भाई कैश बुक क्या है, कैश बुक क्या है. मान लो कि ये एक्स वाई जेड फंड का कैश बुक है. अब ये कैश बुक हमने सिर्फ बुक में देखा है और वैसा कैश बुक हमने सिस्टम में नहीं देखा है. प्रॉब्लम यहाँ पर है, वो सिस्टम है इतने इफेक्टिव ऐसे नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो डेटा रॉ डेटा कैप्चर कर रहा है. उसका कोई ना कोई दूसरा एप्लीकेशन होगा जहाँ पर ऐसी रिपोर्ट पुल होती है, बट हम जो है ना पूरा इसी एरिया में काम करते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि ऐसा स्टेटमेंट तो हमने देखा ही नहीं बुक में.
ऐसे ही होता है, ठीक है। भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये तुम्हारा कैश बुक है, यानी कि ये तुम्हारा लेजर है, ये मेन लेजर है। ये मेन लेजर क्यों है यार? बिजनेस का जो मेन है ना, कितना पैसा गया कितना आया, उसके लिए एक मेन बुक चाहिए। तुम ऐसे पूरे बुक्स क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए तुम क्या करोगे कि तुम कैश बुक के अगेंस्ट जितने भी बाकी के बुक्स बनेंगे वो बुक्स तुम क्रिएट करोगे। वो क्यों करोगे? क्योंकि वो बुक्स इसलिए, कैश कितना आया एंड वो कौन से एक्सपेंसेस के अंडर आया, कौन से इनकम के लिए आया, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखे तो एक कोई भी अपन उठा देते हैं, चलो यहां पर कैश बुक में कैपिटल कैपिटल दिख रहा है, ठीक है। कैपिटल कितना दिख रहा है? इतनी अमाउंट आई है। अब अगर हम फंड की बात करेंगे, मान लीजिए कि फंड का बुक है, ये कैपिटल आया हुआ है, ये कैपिटल किसका हो सकता है? अगर हेज फंड है तो जनरल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स इनका ही हो सकता है ना? म्यूचुअल फंड है तो इन्वेस्टर का हो सकता है, एम आई राइट? अगर प्राइवेट इक्विटी है तो वो भी जनरल पार्टनर्स या फिर लिमिटेड पार्टनर्स का होगा। मतलब बिजनेस को जो कैश आया उसकी भी एंट्री, पहली एंट्री तुम्हारे कैश बुक में हो रही है, ठीक है। अब ये बिजनेस है, बिजनेस का खुद का भी कैश हो सकता है, जैसे कि पहला कैश जो यहां पर दिख रहा है ये वाला, खुद का भी कैश हो सकता है अगर है तो, बट जरूरी नहीं है। जो कैपिटल होगा वही तुम्हारा कैश रहेगा जो बिजनेस का, बिजनेस ने ये उधार लिया हुआ है, ठीक है। अब ये बात भी बोलोगे कि सर यहाँ पे तो कैश बुक में ये तो क्रेडिट साइड दिख रही है, ये डेबिट साइड को कैश आया हुआ है। अगर तुम्हारा रूल पता होगा तुम्हें तो वो रूल ज़रा सा याद कर लेना, अकाउंटिंग एंट्री का क्या रूल है। अगर कैश बिजनेस में आता है, सब्सक्रिप्शन हुआ मान लो, सब्सक्राइब्ड हुआ है, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या हो जाती है? कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगी। इसको अगर इंटरप्रेट करना है तो देखो, कैश अकाउंट के डेबिट साइड को कैपिटल रिकॉर्ड कर दो, ये हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को कैश रिकॉर्ड कर दो। जाके देखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एग्जैक्टली क्यों आया। ये कैपिटल अकाउंट है, यहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दिख रहा है तुम्हें, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दिख रहा है, ये ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है मतलब वो लायबिलिटी के साइड जाएगा। इंटरलिंक्ड है, हिंदी में सेशन में ज़्यादा बोल रहा हूँ ये, क्योंकि कई सारे टर्म्स मैं समझाना चाहता हूँ इसलिए, ठीक है, तुम्हें वो समझे। मेरा इंग्लिश बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज तुम्हारे डाउट्स अगर तुम्हारे तक ही रहेंगे तो वो मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो देख लेना, अगर यही अगर फंड का कैपिटल बुक है, जीपी एंड एलपी का है, तो ज़रा सोचो क्या बदल रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं है, कैश आया, कैश हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया एंड उसका कैपिटल अकाउंट भी हमने क्रिएट कर दिया, जो कि उस डेट के साथ हमने कैपिटल उस बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अब जो रिकॉन बनेगा, रिकॉन जब मैं कर रहा हूं, मान लो कि ये जो कैश है 10 लोगों ने मिलके दिया, अगर 10 लोगों ने वो कैश मिलके दिया है तो हो सकता है कि उसमें पॉसिबिलिटी बनेगी, तो किसी ने किसी ने कम दिया ज्यादा दिया, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो इसीलिए तो हमारे पास रिकॉन का सिस्टम है। रिकॉन वाला बंदा क्या करता है कि भाई अगर कैपिटल मुझे ये इन्वेस्टर ने या फिर ये 10 लोगों का मिलके आया है, 10 लोगों के अकाउंट में भी वो अमाउंट मैच होनी चाहिए। अगर 10 लोगों का मानो 10,000 एक का अगर कंट्रीब्यूशन है, तो वो 10,000 ईच एक इन्वेस्टर के अकाउंट से जाना चाहिए, वो कैश बुक में उतनी ही अमाउंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए उस डेट के साथ, एंड प्लस वही अमाउंट, सिमिलर अमाउंट कैपिटल अकाउंट में भी जानी चाहिए। ये होता है तुम्हारा अकाउंटिंग और रिकॉन दोनों एक साथ। चार जगह पर इंपैक्ट दिख रहा है, तीन जगह पर दिख रहा है सॉरी। एक होगा इन्वेस्टर का अकाउंट जहां डेबिट हो रहा है, दूसरा कैश बुक है, डेबिट आ रहा है, कैश आ रहा है,
यहाँ से हम जिस पर्पस के लिए कैश आ रहा है उस पर्पस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़, यहाँ से पैसा अब देखा जाएगा कि भाई कैपिटल अकाउंट से पैसा जाएगा कहाँ, एक तो इन्वेस्टमेंट होगा या फिर पैसा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को चला जाएगा। अगर रिटर्न जाता है तो कैपिटल से माइनस कर दो, इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट में, एज इट इज़ बैलेंस दिखेगा, बाकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन हुआ या डिप्रिसिएशन हुआ। तो इसलिए हम थ्रू आउट दी अकाउंटिंग ड्यूरेशन वी ट्राई टू मेंटेन द ऑल दी अकाउंट्स अपडेटेड। अब बताओ यहाँ तक, सो फार डू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी? सर, आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने कैश को लिया, सॉरी टू आस्क यू, बट ये मेरा थोड़ा डाउट है नहीं नीचे। नहीं ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अकाउंटिंग एंट्री को जैसे अगर डिकोड करोगे तो ज़रा सा सोचो कि मैंने क्रेडिट क्यों लिया है। भाई कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट, ये अकाउंटिंग एंट्री तुम्हें बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैंने इसलिए तो कहा तुम अपना कुछ भी लॉजिक पुट नहीं करोगे, ये दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे अगर दिमाग में ये डाउट है खुद का तो निकाल दो। ये एंट्री कह रही है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक जब प्रिपेयर करोगे तो कैपिटल अकाउंट की अमाउंट कैश बुक के डेबिट साइड होनी चाहिए, हुई कि नहीं हुई? सर एंड अगर तुम उसको कैपिटल अकाउंट की तरफ से देखोगे तो कैपिटल अकाउंट क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड कैश होना चाहिए, ये एंट्री कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। राइट सर, सॉरी समझ गया। तुम इसको पढ़ो, पढ़ो एक बार कि क्या तुम्हें लग रहा है ना, तुम पढ़ो तब तुम्हें समझ में आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो अगर इसको मुझे समराइज करना है तो क्या मतलब क्या निकलेगा भाई? देखो कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट में खुद का कैपिटल हम लिख नहीं सकते, ये बात हमेशा याद रखना, ये एक रूल है, ये रूल है, रूल नंबर वन। रूल जैसे जैसे मैं कहूंगा तो वो याद रहने चाहिए, लिखो कहीं पे, खुद के बुक में खुद के ही नाम से हम लिख नहीं सकते, अकाउंटिंग एंट्री कर नहीं सकते। भाई वो हमसे पैसा गया है या फिर हमसे पैसा आया है, देखो अभी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड कैश क्यों है उसकी और एक वजह मैं बता देता हूं। कैश रियल अकाउंट का फैक्टर है कि नहीं है? रियल अकाउंट की जो रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी कैपिटल अकाउंट पे जाके बैठो, ऐसा अजूम करो कि वो तुम्हारा कैपिटल है, वो तुम्हारा अकाउंट है क्योंकि तुम एक इन्वेस्टर हो। अभी इन्वेस्टर के अकाउंट से पैसा गया है कि नहीं गया है? से गया है। तो अगर पैसा गया है तो उसको क्रेडिट क्यों नहीं होना चाहिए? अब इसका जवाब तुम मुझे दो। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल कह रहा है भाई ये, मैं थोड़ी कह रहा हूं। भी फेल यहीं पे है हम लोग कि भाई रूल ही नहीं समझना चाहते हैं, हमें रूल को रूल की तरह ही देखना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट के हो या फिर और कोई डिग्री ली है, डजेंट मैटर। यहां पर अगर सीखना है, कॉमर्स के बंदों के लिए भी वो रूल है, साइंस के बंदों के लिए भी सेम है, एंड जो मैकेनिकल के बंदे हैं उनके लिए भी सेम रूल है, कुछ भी उसमें अलग नहीं है। रूल रूल है, रूल नंबर वन, हम खुद का नाम खुद के अकाउंट में नहीं लिखेंगे, ये तो ओके हुआ एक रूल। बट दूसरा, जब भी देखो ये जो अकाउंटिंग एंट्रीज होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल रह के प्रिपेयर करना होता है, इसलिए अकाउंटिंग जो फंड अकाउंट का इंटरव्यू है वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन अकाउंटिंग एंट्रीज। वाई? क्योंकि वो अकाउंटिंग एंट्रीज तुम्हें मेन लेजर एंड सब लेजर प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। उस अकाउंटिंग एंट्रीज को हमें डिकोड करना है, उसको इंटरप्रिएट करना है, एंड उस अकाउंट तक लेके जाना है जिस अकाउंट का वो बैलेंस है। ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि सब लोग एज्यूम करते हैं कि भाई तुमने अकेडमिक्स में अकाउंटिंग पढ़ी है तो ये तुम्हें पता है। अभी रिकॉन करने के लिए भी मैं तुम्हें एक और एक एग्जांपल दे देता हूं भाई, रिकॉन करने के लिए भी ये बेसिक है। अगर तुम्हारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो तुम पहले क्या देखोगे?
बहुत सारे लोग हैं उनको क्या देखना है ये पता ही नहीं है भाई। सिंपल सा लॉजिक यहां पर थोड़ा सा पुट करो, बैलेंस गलत क्यों हो सकता है? एग्जैक्टली द मेन पॉइंट है जनरल। तो जनरल अकाउंटिंग एंट्री का जो बुक है उस पे जा देखो, वहां पर भी सही है। तो मतलब किस गधे ने मैनुअली जब वो एंटर कर रहा था तो कैश बुक में कुछ ना कुछ गलत अमाउंट पुट कर दी रहेगी। दो ही चीजें होगी फिर, एक तो कैश बुक में जो कैश रिकॉर्ड किया गया वो गलत आया मैनुअली किया हुआ है, तो इसलिए जो ये वर्क है पूरा ऑटोमेटेड बन जाता है व्हेन यू प्रिपेयर द अकाउंटिंग एंट्रीज एंड अपलोड इन द सिस्टम। सिस्टम प्रोजेक्ट और ट्रांसफर दैट अकाउंटिंग एंट्रीज और प्रोजेक्शंस टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, ताकि ये मैनुअल इंटरवेंशन पूरा निकल जाए। नहीं तो अगर मैनुअली डालेंगे 20,000 की जगह 2,000 हो गया, लग गए ना भाई। बहुत बार होता है ऐसे, आई हैव सीन सो मेनी केसेस दैट वेयर ड्यू टू टाइपो एरर्स वी हैड अ डिस्क्रिपेंसीज इन द टू अकाउंट्स, वी हैड टू रिजॉल्व इट एंड देन टेक एक्शन एंड रिपोर्ट इट टू द क्लाइंट, है ना। तो ये लॉजिक बहुत सिंपल है, ये लॉजिक किसी भी प्रोसेस में जब यही लॉजिक पुट करना होता है, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री के बगैर कोई प्रोसेस है ही नहीं है। कोई डाउट? नहीं सर। ये तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया, जैसे बताया तो हम रूल डिस्कस करेंगे, रूल के बाद एक सेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन आज तो पूरा नहीं होगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देना चाहता था कि भाई काम कैसे बन रहा है, ठीक है। अगर और एग्जांपल तुम एक्सपेंसेस का लेना चाहते हो तो अपन एक एक आधा एग्जांपल रिजॉल्व करेंगे, तो तब तुम्हें भी डाउट्स है बहुत सारे। जैसे यहाँ पे लोन अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, लोन को तुम अगर कह सकते हो यहाँ पर, अगर तुम्हारा फंड है तो फंड के लिए लायबिलिटी क्या हो सकती है? अरे नहीं बाबा, रिडम्पशन पेबल हो सकता है ना, तो वो कर दो, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर दो, सिंपल आउटस्टैंडिंग फीस, ये रिकॉर्ड होगा। ये देखो अगर आउटस्टैंडिंग फीस है तो रिकॉर्ड करेंगे एंड वही हमारा लायबिलिटी साइड जाएगा। ये अगर कोई इंडिविजुअल काउंटर पार्ट्स है तो उनके भी नाम तुम डाल सकते हो। यहाँ पर सेल्स बुक प्रिपेयर किया हुआ है, सेल्स बुक है क्या कि जितना भी हमने सेल्स किया हुआ है, जो कैश सेल्स के साथ आया हुआ है वो कैश होगा एंड उसका सन्डरी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होता है ये। देखो यहाँ पे एक बात बहुत केयरफुली तुम्हें समझना है, जो यहाँ क्रेडिट बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट हो जाना चाहिए। ये अगर क्रेडिट है तो ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट ही जाएगा, अगर क्योंकि ट्रायल बैलेंस में अगर क्रेडिट है तो वो ट्रायल बैलेंस का एग्जैक्टली तुम्हारा जो प्रोजेक्शन होगा किस पे जाएगा? ट्रेड बुक, PNL एंड बैलेंस इट। अगर ट्रेड बुक में हम सेल्स रिकॉर्ड करते तो कौन से साइड पे करते हैं? तीनों में से अगर एक भी चीज़ आपको पता चल जाती है या फिर है तो आप इसको आसानी से समझ पाओगे। सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? अरे नहीं रे बाबा, क्रेडिट में होता है सेल्स। ये ट्रेड बुक है तुम्हारा तो उसके यहाँ पे होगा सेल्स, यानी कि क्रेडिट साइड होता है। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड है मतलब ट्रायल बैलेंस में भी हो क्रेडिट बैलेंस दिखेगा तुम्हें। एनीवेज वो छोड़ दो, फर्दर पार्ट है, अपन देखेंगे उसको। एक लेजर के साथ पूरा ट्रायल बैलेंस तक प्रिपेयर करेंगे अपन, है मेरे पास एग्जांपल्स, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो यहाँ पर चीज़ें बन रही है तो वो हम नॉर्मल अकाउंटिंग जो है वो फंड के साथ लिंक कर सकते हैं एंड वो अच्छे से सीख सकते हैं, बट करने आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो दिक्कत वहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अकाउंट्स बनेंगे, अकाउंट्स के दो टाइप्स है, जो पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स आता है, जहाँ पर हम जो अकाउंट का रूल पुट करते हैं यहाँ पर डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेंस। यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट्स है, तो उसमें जितने भी जो बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, फंड में आ रहा है जा रहा है, वो पूरा रिकॉर्डिंग हम रियल अकाउंट्स का रूल अप्लाई करके ही प्रिपेयर करते हैं।
एंड यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का जो होगा, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, इसको ज़्यादा महत्व मत दे देना। अगर कोई एंटिटीज़ है रिप्रेजेंट कर रहे तो हम उनके नाम्स लिखते हैं, बट अपना जो बेसिक फंडा पता होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सॉरी डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, मतलब जिससे हमें मिल रहा है उसका नाम, जो हमें दे रहा है उसका नाम, है ना। तो ये चीज़ है, ये पूरा पूरी पूरी दुनिया ज़्यादा तौर पर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का ही यूज़ करती है। डबल एंट्री का मतलब है डेबिट वर्सेस क्रेडिट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी लोग मुझे कई बार सवाल पूछते हैं कि सर मुझे एडवांस अकाउंटिंग सीखनी है। भाई एडवांस अकाउंटिंग हो तो भी यही है, डेबिट और क्रेडिट। हम एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं इसलिए मैं थियोरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। देखो ये एक रूल है जो इंक्रीज और डिक्रीज का, ये कंफ्यूज भी करता है सीखने के लिए, बट अगर आता है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कैश क्या है, कैश रियल अकाउंट है, इसको एसेट कह सकते हैं अपन, एसेट है मान लो। जब एसेट्स बढ़ती है ना तो वो डेबिट बैलेंस बन जाता है, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड होती है। वही कैश अगर हम लायबिलिटी की तरह सोचेंगे, अगर वो कैपिटल, कैपिटल बढ़ता है मतलब क्या, क्रेडिट साइड है वो, वो क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटी बढ़ रही है। कैश बढ़ रहा है तुम्हारा तो डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है तुम्हारी तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पे डेबिट वर्सेस क्रेडिट मैच हो रहा है ना, वही होना चाहिए। अगर तुम्हारा कैश कम हो रहा है, यहां पे कैश आ रहा है, एंड वही अगर कैपिटल का कैश है, मतलब विथड्रॉल की रिक्वेस्ट आई है, तो 20,000 रुपये यहीं से जाएंगे, राइट। अब देख लेना इसका नेटिंग 5,000 कुछ आएगा या 50,000 मान लो, चलो इसका भी 50,000 आएगा। इवेंचुअली डेबिट वर्सेस क्रेडिट मैच हुआ ना। तो तुम्हारा एक सवाल था कि जो सब्सक्रिप्शंस और रिडम्पशंस होते हैं तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है क्या भी। अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज एट अ सेम टाइम मैं अगर कम कर रहा हूँ या फिर बढ़ा रहा हूँ तो एनएवी कैसे बढ़ेगी मेरी। नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे दोनों में से एक कौन सी तो साइड बढ़नी चाहिए। ये अभी तुम बोलोगे कि सर फिर ये फिर एनएवी बढ़ती कब है एग्जैक्टली, ये भी सवाल आएगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम्हारी कैश बढ़ रही है मतलब ये तुम्हारा इनिशियल कैपिटल है, ये तुमने इन्वेस्ट कर दिया, 6 महीने बाद ये वैल्यू कैपिटल जो है एज इट इज रहेगा, लेकिन जो तुम्हारी एसेट की वैल्यू है वो बढ़ेगी, चेंज होगी। मानो ये जो जो अमाउंट है पूरी 5 लाख से बढ़ गई, 5 लाख से बढ़ गई, अब 30 लाख दिख रही है वैल्यू, तब तुम्हारी एनएवी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी जो एसेट्स है वो ज़्यादा दिख रही है, लाइबिलिटीज जो है वो कैपिटल जो है वो कम दिख रहा है। अगर इसको इसको अगर तुमने नंबर ऑफ शेयर्स में स्प्लिट कर दिया एंड उसको अगर एसेट के साथ डिवाइड कर दिया तो जो पर एसेट की वैल्यू है वो तुम्हारी बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। एनीवेज अगर इन्वेस्टमेंट बड़ी है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए तो हम हैं अकाउंटेंट, क्योंकि वो कैलकुलेट करे, क्योंकि वो देखे हम कि भाई इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड इट एंड डिस्क्लोज द रियल वैल्यू और वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर्स। ये बहुत बेसिक था, अभी और एक देखते हैं, बेसिक का ही देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो पेड कैश टू द क्रेडिटर्स कहा गया है, ये क्या हो सकता है। कैश तुम्हारी है, कैश का क्या हुआ है बताओ मुझे जल्दी, गेस। कैश पेड हुआ, हाँ पेड हुआ है, तो भाई कैश तो एक एसेट्स है ना, एसेट्स इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई,
तो रिकॉर्ड कहाँ पे होगी? वो क्रेडिट साइड होगी। एसेट्स जब भी डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होगी, ये हमेशा याद रखना। क्यों होगी इसको मैं तुम्हें रूल के साथ बताऊंगा। रूल क्या है अपना रियल अकाउंट का, जल्दी बोलो। डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल नहीं भूलना है, मैंने पहले ही कहा। तुम उसे रट लो, समझ लो, या जो मैंने नहीं रटा है जिंदगी में, क्योंकि मुझे कोई भी मेरे दिमाग में थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं है और ना मैंने कभी रटा है। मैंने एग्जाम में भी वैसे ही किया, अभी भी मैं वैसे ही करता हूँ, क्योंकि जो मैंने स्टडी करी मेरी 12th स्टैंडर्ड की स्टडी है। उसके बाद मैं बाकी कैपिटल मार्केट डेरिवेटिव्स की स्टडी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने अकाउंटिंग की स्टडी नहीं करी है। वो मेरा जो भी अभी मेरे पास अकाउंटिंग का ज्ञान है वो मेरा 12th स्टैंडर्ड का, 11th और 12th स्टैंडर्ड का, 12th ही कहो क्योंकि 11th तो मैंने साइंस किया हुआ है। अब तब का नॉलेज मुझे अभी भी काम क्यों आ रहा है, तब का नॉलेज मैं अभी भी क्यों इंटरप्रेट कर रहा हूँ? 30 मिनट का एक है जो मैंने पहले रूल बताया था तुम्हें, अपने ट्रेनिंग का रूल नंबर जो पहले इंपॉर्टेंट वाला था वो था कि भाई 30 मिनट्स एवरी डे दैट यू नीड टू स्पेंड ऑन योर स्किल्स, दैट वॉज द रूल, वो रूल दैट आई हैव फॉलोड इन माई लाइफ। एंड वो अकाउंटिंग फिर से मैं अभी लोगों को ज्ञान देते घूम रहा हूँ। मैं भी साइंस का था स्टूडेंट, मुझे भी अकाउंटिंग नहीं आती थी, साइंस किया हुआ है 11th और 12th का पूरा 6 महीना साइंस किया। फिर एंड पे जब पेपर जब सॉरी एट द टाइम ऑफ फिलिंग अ फॉर्म, देन मैंने वो कॉमर्स के लिए बोल दिया कि भाई मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, मुझे साइंस को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा 12th नहीं निकलेगा। ये ट्रैजेक्टरी हुई मेरे साथ। बट फिर भी 6 महीने में अकाउंटिंग कवर करना, सीखना, उसको समझना, उसको अच्छे से समझना, मैंने जितना भी समय दिया अकाउंट को पूरा समझने के लिए दिया है, तो उसका वो अभी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, कैश बुक रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हुआ, कैश जा रहा है बिजनेस से, मतलब वो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा। एंड अगर दूसरी जो चीज़ है, क्रेडिटर्स का जो अकाउंट होगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट, यहाँ पर जो क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है हमने वो लाइबिलिटी दे दी। देखो क्रेडिटर्स मतलब कौन, ये लाइबिलिटी साइड है। कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगराइजेशन अगर तुम्हारे पास नहीं करने आ रहा है तो अकाउंटिंग नहीं समझेगी, जिंदगी भर नहीं समझेगी। क्रेडिटर्स मतलब हम जिनको पैसा देने वाले हैं वो लोग। अगर फंड में कौन क्रेडिटर्स होते हैं, फंड के लिए अगर किसी ने उधार पे पैसा दिया है तो वो क्रेडिटर्स हो जाएंगे। बट इवेंचुअली अगर तुम उसको रिलेट करने के लिए कह सकते हो कि भाई जो यूनिट होल्डर्स है वही क्रेडिटर्स, एक एज्यूम कर लो, अगर उनका तुमने पैसा दे दिया, मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी कम हो रही है मतलब क्या, पैसा भी जा रहा है, एसेट कम हो रही है साथ ही साथ। हाँ, तो वहाँ पे एसेट्स कम हुई तो वो हुआ डेबिट, एंड यहाँ पे लाइबिलिटी कम हुई तो लाइबिलिटी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, तो वो भी हुआ डेबिट। क्रेडिटर्स का अभी हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो कम हो जाएगा, पैसा निकल जाएगा, हमें पैसा उतना देने की ज़रूरत ही नहीं है एक बार देने के बाद। तो ये लॉजिक है, तो सिंपल सा यहाँ पर रखो कि अगर तुम्हारी एसेट्स बढ़ती है तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन का ये रूल अप्लाई करो। अगर तुम्हारे से एसेट जाती है मतलब वो ये हुआ कि तुम्हारा पैसा क्रेडिट जा रहा है, क्रेडिट क्रेडिट पे उसका इम्पैक्ट होगा जब तुम्हारी एसेट्स वो रिड्यूस हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने के बाद भी वही इम्पैक्ट होगा, परचेस करने के बाद भी वही इम्पैक्ट होगा। देखना पड़ेगा कि परचेस में क्या हो रहा है और सेल्स में क्या हो रहा है वैसे। ठीक है, ओके सर। अब उस पर बताओ, मुझे कोई डाउट्स वगैरह है अभी तक? नहीं सर। ये रूल पता होगा शायद, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसलिए हमेशा हमारा जो इक्वेशन है वो मैच होता रहता है बैलेंस शीट में जो दिख रहा है। यहाँ पर मानो लाइबिलिटी 50 है और कैपिटल 50 है, तो ये हमेशा ऐसी इक्वेशन दिखेगा, यानी ये दिखना ही चाहिए। उसमें कुछ अगर अमाउंट में चेंज है तो रिकॉन नहीं होगा, हमारा रिकॉन कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, लाइबिलिटीज निकालने के बाद जो पोर्शन बचता है वो होता है एसेट्स, एंड वो एक दूसरा होता है कैपिटल। तो ये इतना भी हमने कैलकुलेट, हम इतना ही ये कैलकुलेट करते हैं। बट अगर कभी कभार होता है ना कि इसको पर शेयर्स में निकाल दो तब पता चले कि कितना दिख रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि एसेट्स देन डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो हमारा जो भी होगा 5,
ये पर शेयर्स कैपिटल होगा, यानी कि एक शेयर्स के कैपिटल के, एक शेयर्स की वैल्यू हमारी बन रही है 5 रुपये। तो यही हमारा लॉजिक, जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, जितने भी बाकी बुक्स है, सभी में यही फॉलो होता है। फंड कौन सा भी रहने तो उसी में भी यही लॉजिक पुट होगा। देखो फंड का दिक्कत यह है कि फंड अलग अलग कंट्री से है, तो उनके अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स अलग अलग हो जाते हैं। मानो कि गैप वगैरह, यूके गैप, यूएस गैप, ये भी एक चीज़ है, बड़ा चैलेंज दिखता है हमें, क्योंकि हमने तो अपनी अकेडमिक्स अकाउंटिंग अच्छे से नहीं सीखी है, तो हम यूएस की अकाउंटिंग क्या सीखेंगे, यूके की अकाउंट क्या सीखेंगे, चाइना, जापान, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ हैं। क्योंकि भाई देखो, अगर उन्होंने भले ही उनका जो डिलीवरी सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया है, लेकिन उनको जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स उनके इन्वेस्टर को देना है, मतलब यही हुआ कि इन उनको उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में वो रिपोर्ट्स चाहिए। एंड दिक्कत हमारे नसीब में ये आ गई कि हमें हमारी अकाउंटिंग ही अच्छे से पता नहीं है, तो हम गैप कब सीखेंगे, फिर हम उसको रिपोर्टिंग प्रिपेयर करने के लिए हेल्प कब करेंगे, ये स्किल्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्री में दिख रहा है मुझे, यही है। मैं अभी तक मोर देन 500 से ज़्यादा फंड अकाउंटेंट को मिल चुका हूँ। उनका चैलेंज यही है, जो लोग फंड अकाउंटिंग में काम करते हैं वो भी लोग आके ट्रेनिंग लेते हैं, कहते हैं कि सर फंड अकाउंटिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ही कर रहा हूँ, लेकिन वो तो है साला, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि जो बेस है वो गायब है। बेस जो है अकाउंटिंग नॉलेज का वो गायब है, जो प्रोडक्ट नॉलेज का बेस है वो गायब है, जो प्रोडक्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो गायब है, जो गैप और IFRS का अलग अलग इसका जो नॉलेज होना चाहिए वो गायब है। अब अगर इतनी चीज़ें मिसिंग है तो भाई काम कैसे बनेगा फिर? फिर तो चैलेंजेस आएंगे आएंगे, सही है ना? ये टर्म्स लिख के लेना अगर चाहिए तो। सर मैं ये आप मुझे PDF सेंड कर दीजिएगा। पढ़ोगे इतनी बड़ी PDF? हाँ सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर देखो ये और सर जो आपने 11th स्टैंडर्ड का बुक ओपन किया है मतलब PDF और नोट तो चलो मैं करूंगा, डोंट वरी। कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल है जो फंड के साथ लिंक करो, फंड में कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, एंड ट्राई टू लिंक दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल द ओरिजिनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। इसका मीनिंग क्या होता है? ये बिगिनिंग रिटेन अर्निंग्स, प्रीवियस अर्निंग नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। अगर कुछ अर्निंग, यानी कि अगर फंड कंपनी के पास या फिर फंड के पास अगर कुछ पैसा है, उनका खुद का रिटेन अर्निंग है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पैसा आया हुआ है, तो उसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द रिटेन अर्निंग। देन रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द ऑन गोइंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अभी भी बिजनेस के लिए ऑन गोइंग एक्टिविटीज क्या होते हैं मुझे बताओ जरा। बाय सेल हो सकता है, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, रेवेन्यू तो है ना वो। फंड के लिए क्या होता है फिर? वही तो है, फंड बाय करेगा कुछ, सेल करेगा कुछ, रेवेन्यू जनरेट करेगा। समझ में आया? क्योंकि हम क्यों हम ट्रेड प्रोसेसिंग टीम बाय सेल अकाउंटिंग बुक्स रिकॉर्ड करते रहती है वो चीजें, अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं है देन हाउ वुड यू बी एबल टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। फंड बिजनेस को समझना है तो फंड बिजनेस की तरह माइंडसेट बनाओ, इन्वेस्टर की तरह माइंडसेट बनाओ, एक अकाउंटेंट फंड अकाउंटेंट की तरह माइंडसेट बनाओ अपना। क्योंकि वहां पे मैं बिगिनिंग से कह रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि वहां पे पैसों की अकाउंटिंग हो रही है बेटा, पैसा पैसा खरीद रहे, पैसा बेच रहे, पैसा खरीद रहे, पैसा बेच रहे, बेचने के बाद भी तो पैसा ही आ रहा है, जा रहा है तो पैसा भी जा रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग हो रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर्ड फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अकड़ नहीं कहेंगे, इनकर्ड कहेंगे, इनकर्ड मतलब आया हुआ है, लगा हुआ है, उतना पैसा लग रहा है। इसमें हो सकता है कि प्रीपेड हो तुम्हारा, पोस्टपेड हो, कई सारी चीज़ें ना आउटस्टैंडिंग हो, तो अच्छा लेकिन इसमें इंक्लूड मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फी
फीस, बहुत सारे ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, वही तो एक्सपेंसेस है, वही तो आते हैं ना ऑपरेशन से। राइट तुम्हें एक सर। सवाल पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग अक्रूवल्स एंड नॉन ट्रेडिंग अक्रूवल्स। जो ऑपरेशंस कहा है, ऑपरेशंस उसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स आते हैं वो नॉन ट्रेडिंग अक्रूवल्स है। मैनेजमेंट फीस, ऑडिट फीस, कस्टोडियन फीस, टीकिंग फीस, सॉरी टीकिंग नहीं, देन उसके बाद अदर मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स विच वुड बी रिलेटेड टू द ऑपरेशंस, वो दैट कम्स अंडर द नॉन ट्रेडिंग अक्रूवल्स। क्योंकि वो जो अक्रूवल्स जनरेट हुए ट्रेडिंग के इवेंट की वजह से नहीं हुए, एंड वो पूरे पीएनएल के लिए है। नॉन ट्रेडिंग अक्रूवल्स एनटीएस फॉर पीएनएल। सर नॉन ट्रेडिंग अक्रूवल्स में क्या-क्या आइटम्स आ सकते हैं? मैं कहा ना कि एडमिन फीस, तुम्हारा मैनेजमेंट फीस वही तो है, मिसलिनियस फीस, कुछ भी ऑपरेशन रिलेटेड, डायरेक्टर फीस, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग अक्रूवल्स है। एंड ट्रेडिंग में क्या क्या आ सकता है, ब्रोकर के जितने भी ट्रेड करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स लगेंगे वो ट्रेडिंग अक्रूवल्स जो बनेंगे, ब्रोकिंग रिलेटेड, जैसे टीकिंग फीस होगा जो ब्रोकर चार्ज करता है, ब्रोकिंग कमीशन और फीस होगा वो भी उसमें आता है, प्रमोशंस वगैरह के एक्सपेंडिचर्स है तो वो भी उसमें आता है। क्योंकि वो पूरे एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, वो ट्रेड अकाउंट पे होते हैं भाई, इसलिए उसको ट्रेडिंग अक्रूवल्स कहा जाता है। मानो एक कोई बाय सेल कर दिया था हमने, उसके लिए ब्रोकर ने हमसे $50 कमीशन मांगा, उसकी टीकिंग फी है, वो ट्रेड बुक पे रिकॉर्ड होगी। ट्रेडिंग अक्रूवल्स जितने भी है वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए होते हैं, नॉन ट्रेडिंग अक्रूवल्स पूरे पीएनएल के लिए होते हैं जिसके थ्रू हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तुम्हारा डाउट्स मुझे क्लियर नहीं लग रहा है, या फिर कुछ डाउट्स नहीं सर, ये जो आपने बताया अभी वो क्लियर है। है ना? यस सर। लॉजिक मैं बता रहा हूं तुम्हें सिंपल सा, ट्रेडिंग अक्रूवल्स मतलब वो ट्रेड बुक पे जाते हैं, नॉन ट्रेडिंग अक्रूवल्स मतलब वो पीएनएल पे जाते हैं। हाँ पीएनएल सर। पे ऐसी चीज़ें जाती है कि जो ऑपरेशन रिलेटेड होती है, ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो ट्रेड बुक पे जाती है, ख़त्म बात। अब इसके आगे कोई अलग सा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अकाउंटिंग हमें हमारे रूल के हिसाब से नहीं करनी है, पहला रूल। हमारे हिसाब से करेंगे तो फंस जाएगा गणित, तब हम निकल नहीं पाएंगे उसके बाहर, समझ में ही नहीं आएगा कि भाई क्या चल रहा है पूरा। हमें अकाउंटिंग की भाषा में ही अकाउंट को समझना है। देन डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेमेंट, ये तो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, ये होता है, डिविडेंड्स आता रहता है तो उसको रिकॉर्ड करो, ये फंड के लिए इनकम है तो वो पीएनएल पे पोस्ट कर दो, और इनकम स्टेटमेंट भी जाएगा लेकिन अकाउंटिंग पर्पज के लिए पीएनएल पे जाना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ट्रांजैक्शंस है ऐसे दिखते हैं, अगर स्टार्ट बिजनेस किया हुआ है तो वो कैपिटल है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, अगर कोई फंड स्टार्ट हुआ है उसको फंड आया है तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है, अगर बोरोड मनी है तो वो लायबिलिटी साइड पे जाएगा, लोन रिपेड किया है तो वो लायबिलिटी से कम होगा, अगर विथड्रॉ किया हुआ है तो कैपिटल यानी कि जो फंड इन्वेस्टर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई पैसा हमें निकालना है बाहर, तो वो क्रेडिट साइड जाएगा, मेन कैपिटल से माइनस कर दो, है ना? यस बॉट फर्नीचर, अगर कोई ऑफिस का रिनोवेशन का काम वगैरह चल रहा था सो द फंड बॉट फर्नीचर, और इसके फर्नीचर की जगह हमेशा ऐसा लिख दो कि इसको रिप्लेस करते रहो, बस इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इन्वेस्टमेंट कर दिया है। एंड इन्वेस्टमेंट करने के बाद देखा जाए तो ये वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की इतनी है, ठीक है? एंड कैश भी कुछ दिख रहा है, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा ये तुम्हारा, इसलिए देखा जाए तो ये दोनों का बैलेंस जो होगा, लायबिलिटी प्लस ओनर्स कैपिटल, ये प्लस ये जो तुम्हारा दोनों का प्लस है ये इसके साथ मैच होना चाहिए, तुम्हारा बैलेंस टैली हो गया। एंड ये टैली करने के लिए ही हम पूरे फंड अकाउंटेंट्स मरते रहते हैं, क्योंकि टैली नहीं है तो एनीवे जब कैलकुलेट करोगे
तो एनी वी में डिफरेंस रहेगा, वो एनी वी करेक्ट नहीं होगा, एस्केलेशन फटेगा। ये देखो ये रूल्स है, कुछ रूल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये अगर रूल्स नहीं समझ रहे तो गोल्डन रूल समझो। गोल्डन रूल्स इतने डीप में समझो कि बस, पहले मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी भी बिजनेस को समझना है तो उसके नेचर नेचर अगर किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है देन यू शुड नो द नेचर ऑफ अ बिजनेस, देन ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस, एंड देन इंटरप्रिट इट एंड कैटेगराइज टू ऑल द ट्रांजैक्शंस टू द एज पर द रूल ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर इसके इसको अगर रख के किया तो ट्रस्ट मी कितनी भी कितना भी कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्ट्रक्चर क्यों ना हो फिर भी हम अकाउंटिंग कर पाएंगे उसकी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हर्डल्स विल डू इट। बट अगर उसमें प्रॉब्लम है तो नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, ये हमेशा याद रखना है। जैसे मैंने कहा कि कुछ सिक्योरिटी परचेसेस किए हमने कुछ, तो वो पूरा डेबिट साइड इंपैक्ट आएगा। इसलिए तो लिखते हैं ना कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश रियल अकाउंट का ही पार्ट है, जा रहा है वो। डिक्रीज आर क्रेडिट्स, डिक्रीजेस आर क्रेडिट। इंक्रीजेस इन एसेट्स आर डेबिट्स, इंक्रीजेस आर क्रेडिट्स, डिक्रीजेस आर क्रेडिट, सॉरी, इंक्रीजेस इन लाइबिलिटीज आर क्रेडिट्स। कैसे? तुम्हें सब्सक्रिप्शन आता है तो क्या होता है उसमें? दो चीजें होती है, एक कैश आता है एंड दूसरा कैपिटल, है ना? कैपिटल लाइबिलिटी का पार्ट है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं हम इसलिए, एंड कैश जो डेबिट है तो इसलिए हम डेबिट साइड लिखते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश पहला रूल अप्लाई हो रहा है ना वहां पे, कैश आ रहा है तो डेबिट, राइट? जैसे इंक्रीज इन एसेट्स मतलब कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज आर क्रेडिट, कैपिटल मतलब वो क्रेडिट है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीजेस आर डेबिट। अगर लाइबिलिटीज में अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर तुमने ये पे कर दिया तो क्या होगा? अगर तुमने कैपिटल जो आया था उसको पे कर दिया, अभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, रूल में बैठ रहा है ना, डिक्रीजेस आर डेबिट्स, क्योंकि विल रिपे द अमाउंट्स। सो वन मोर थिंग, अगर सब्सक्रिप्शन है, इफ सपोज एक हेज फंड है तो कोई इन्वेस्टर उसको मतलब सब्सक्राइब कर रहा है तो उस इन्वेस्टर को उसके अगेंस्ट यूनिट्स मिल रहे हैं और उसको यूनिट्स मिल के जो यूनिट्स की जगह तुमने शेयर्स भी वर्ड अगर यूज कर लिया ना, स्टॉक और शेयर्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट्स यूनिट्स अलग सा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या कहा तुमने पहले, फिर से सिनेरियो रिपीट करना खुद का। शेयर कैपिटल, सॉरी, शेयर होल्डर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों? बिकॉज़ सर इन्वेस्टर है जो यूनिट सब्सक्राइब कर रहा है। सब्सक्राइब कर रहा है तो तुम्हें फंड अकाउंटेंट की तरफ से सोचना है, फंड अकाउंटिंग बुक्स की तरफ से सोचना है क्या होगा फंड के लिए, क्या हो रहा है। अगर सब्सक्राइब कर रहा है मतलब वो पैसा भी भेज रहा है ना, राइट सर? कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, वो कैश कहाँ पे जाएगा? दो तरह से कर सकते हो एंट्री, ठीक है, सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल टू इन्वेस्टर्स अकाउंट, ये भी कर सकते हो, एंड दूसरी एंट्री होगी फिर रिसीवेबल्स आएगा तो रिसीवेबल्स को तुम एक्सेप्ट करो एंड उसको फिर कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर दो। लेकिन उतना डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कोई बनाएगा नहीं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आ रहा है मतलब इन्वेस्टर ने बोल दिया कि भाई तुम्हारी यूनिट्स ले लो, हमारा पैसा दे दो, ख़त्म, बात कर दो ना। तुम्हें यूनिट्स आ रहे, कैश जा रहा है, भेज दो कैश, यूनिट्स एक्सेप्ट कर लो। है ना? तो वो चीज़ें है। नहीं तो दूसरी एंट्री, जैसे क्रेडिट परचेस करने के बाद एंट्री क्या होगी, तुम्हें और एक लॉजिक समझाता हूँ उसका, कि
तुमने कुछ परचेस किया क्रेडिट पे, क्या हो गया अकाउंटिंग एंट्री? परचेस अकाउंट, अकाउंटिंग एंट्रीज परफेक्ट नहीं है तुम्हारे शायद। परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई जेड काउंटर पार्ट अकाउंट, क्योंकि ये जो उधारी पे लिया हुआ है हमने, किन से लिया हुआ है अभी? एक्स वाई जेड से। तो इसकी जगह तुम पेबल क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जब तुम नेक्स्ट उसको पेएबल को जब तुम कैश पे करोगे एक महीने बाद, तो एंट्री क्या होगी? पेएबल अकाउंट डेबिट कैश। तो ये जरूरी है कि हमारा कैश क्रेडिट हो, बाकी बाहर में जाए। एनीवेज ये तो पूरा ऑफसेट हो जाएगा। एंड अगर तुमने पेएबल की जगह अगर एक्स वाई जेड कंपनी का नाम भी लिख दिया तो कोई गलत बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा रूल पढ़ो, क्या कहता है रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तुम्हारे देखो दिक्कत यही है कि ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रूल को रूल की तरह समझना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसमें। पहले अगर तुक्का मार के जॉब लगी है तो तुम भाई बहुत लकी हो, ऐसे कहूँगा मैं। लेकिन आने वाला समय बहुत बहुत डेंजर रहेगा। तुम्हें केस स्टडीज दिए जाएंगे इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर सामने बोलेगा कि मुझे रिजॉल्व करके दो, इसके अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर करके दो। सिर्फ 4 साल रुकना, 4 साल बाद ही अगर तुम्हें नहीं दिखा तो मुझे बोलना फिर। क्योंकि देखो क्वालिटी टैलेंट सबको चाहिए, तुम्हें हायर करके उनके पास इतना समय नहीं कि तुम्हें अकाउंटिंग का ज्ञान देते बैठे, है ना? तो ये चीज दिखाई देगी। तो हर दिन प्रैक्टिस करो, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल आर क्रेडिट्स, डिक्रीज आर डेबिट्स। अपना लॉजिक पुट करो, समझ जाएगा। ये रूल लिख के रख लेना दीवार पे, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट्स, डिक्रीज आर क्रेडिट्स, एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम्स आर क्रेडिट्स, डिक्रीज आर डेबिट्स। ये कुछ नहीं, बेसिकली जो तुम्हारा गोल्डन रूल्स है तीन, उसको डिकोड किया गया है। हम वही चिल्ला रहे बिगिनिंग से लेकर अभी तक, गोल्डन रूल्स उसी को समराइज किया है। वो तीन रूल्स एंड ये 6-9 रूल्स जो है वही तुम्हारी अकाउंटिंग पूरी मैनेज करने में मदद करेंगे। नौ रूल्स याद रहेंगे? इसमें कुछ दिक्कत है? समझा नहीं समझा बताओ। इसमें कुछ नहीं दिक्कत है। ओके, यहां पर कुछ उसी एंट्रीज को प्रैक्टिस करने के लिए ये बनाया है उन्होंने। पहली अगर ट्रांजैक्शन हम देखें एंड उसको इंटरप्रेट करें, आर स्टार्टेड बिजनेस विथ, हाँ तो उसको तुम फंड के साथ लिंक करो। फंड स्टार्टेड बिजनेस विथ दिस, सो इट मींस ये कैपिटल है, इतना लॉजिक होना चाहिए, राइट? तो एंट्री क्या होगी? पहले एंट्री प्रिपेयर करो, क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल। एक्टिविटी पहले, फिर वो हमने अभी जो 6 रूल देखे वो बताओ कि उसको पुट करो। डेबिट इंक्रीजेस हो रहा है मतलब अगर कोई एसेट है इंक्रीजेस हो रहा है मतलब वो डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे डेबिट लिखा है। कैपिटल अगर इंक्रीजेस हो रहा है तो वो भी यहाँ पे लिखा है। दूसरा लिखा गया है एंट्री पुचेस फर्नीचर फॉर 1200। पर्चेस फर्नीचर मतलब दो अकाउंट्स है उसमें, हर एक ट्रांजैक्शंस में दो अकाउंट्स होते हैं, इसलिए हम ड्यूअल एंट्री कहते हैं। दो अकाउंट्स होंगे और दो अकाउंट्स मतलब काउंटर पार्ट्स कह दो, और दो डेबिट एंड क्रेडिट दो रूल्स वहां पर बनेंगे, ठीक है? फर्नीचर लिया, ठीक है, दोनों एसेट्स है, तो एक चीज बन रही है यहां पर, जैसे कि अगर फर्नीचर आ रहा है मतलब एसेट्स बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट बैलेंस है। एंड दूसरा अगर देखोगे कैश जो है वो जाएगा
फर्नीचर परचेस करने के बाद कैश जाएगा, जैसे इक्विटी परचेस कर ली हमने, इक्विटी तो आ जाएगी लेकिन कैश जाएगा, मतलब वो डिक्रीज्ड हुआ है ना, तो वो डिक्रीज हमारा रूल जो कहता था, रूल जो हमारा कहता था वो क्या था रूल, एसेट इंक्रीजेस डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीजेस क्रेडिट बैलेंस, तो वो रूल तुम्हारा यहां पर काम करता हुआ दिखेगा। ओके, तीसरा क्या है, पेड 1100 टू द एम्प्लॉय फॉर अ सैलरी एंड पेड रेंट, मतलब एक्सपेंडिचर से बेसिकली ये दो अकाउंट्स है यहाँ पर, कैश एंड एक्सपेंस। कैश ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट का कॉम्पोनेंट है, एंड एसेट में जो आएगा कैश वो तुम्हारा एसेट का कॉम्पोनेंट है। तो रूल वहाँ पर फिर से अप्लाई करो, एक्सपेंसेस कहाँ है, एक्सपेंसेस कहने के बाद भी एक्सपेंसेस बढ़ रहे मतलब वो डेबिट साइड होगी, डेबिट द एक्सपेंसेस, हमारा रूल भी वही कहता है ना, लॉसेस। रूल नहीं भूलना है, रूल भूल गए मतलब अकाउंटिंग तुम्हें आती ही नहीं है और कर भी नहीं पाओगे, सिंपल सा बात है। फिर एसेट्स, कैश जा रहा है भी, एक्सपेंडिचर्स हमने पेड कर दिए, अगर एक्सपेंडिचर्स हमने पेड कर दिए मतलब क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा ना, वही है। पेड रेंट 1150 सेम, टू अकाउंट्स रेंट एंड बैंक, एक्सपेंस एंड एसेट्स, इंक्रीज डिक्रीज 1150 1150। रिसीव्ड इंटरेस्ट मे बी फॉर बॉन्ड्स लोन्स और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, कैश एंड इंटरेस्ट अकाउंट, दिस आर टू अकाउंट्स, कैश इज द कॉम्पोनेंट ऑफ एसेट्स एंड इंटरेस्ट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ इनकम। यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही है, जैसे इंक्रीज इंक्रीज हो रही है, क्या इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, वो क्रेडिट जाएगा ऑफकोर्स, एंड एसेट्स भी बढ़ रही है मतलब वो डेबिट साइड जाएगी। ये एक एग्जाम्पल तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी है, नहीं समझा है तो बार बार उसको डिकोड करना है कि भाई क्यों कैसे वो सब चीज़ें देखनी है, क्योंकि अभी अगर इतने ही जितने अकाउंट के टर्म्स हमने जो डिस्कस करे हैं उसके साथ इफ़ यू लिंक द फंड अकाउंटिंग नॉलेज, ट्रस्ट मी तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू क्रैक होने से और वहाँ पे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मानो अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, फंड ने फीस चार्ज करी हुई है, अभी फंड ने फीस चार्ज करी हुई है इसका मतलब समझो, क्योंकि वो फंड को चार्ज हो रही है फीस, फीस फंड चार्ज कर रहा है, इसलिए चार्ज कर रहा है ताकि वो किसी और को देना चाहता है। जैसे नॉर्मल बिजनेस में रेंट हुआ, रेंट चार्ज कर रही है कंपनी, मतलब ये हो कि कंपनी ने रेंट चार्ज कर दिया खुद के बैलेंस शीट को, खुद के पीएनएल को, जो कि वो उनका एक्सपेंडिचर्स है। एंड जैसे मैनेजमेंट फीस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फंड, एडमिन फीस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फंड, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स दे आर दी एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ फंड, ऑडिट फीस, डायरेक्टर फीस, ऑल दी अदर फीस, दोज आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ फंड, एंड दोज आर एक्सपेंडिचर्स, यहाँ का कौन सा रूल बेटर है बताओ मुझे, जो है यहाँ पे रेंट पेड और पेड सैलरीज टू द एम्प्लॉयज ऐसा जो लिखा हुआ है, कि ये रूल नहीं बैठेगा वहां पे, सैलरी एंड बैंक का है जैसे मैनेजमेंट फीस एंड बैंक अकाउंट, ये रूल नहीं बैठेगा क्योंकि मैनेजमेंट फीस दैट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस, एंड जो बैंक अकाउंट इट मीन्स वो कैश इज अ पार्ट ऑफ एसेट, क्या वो रूल नहीं बैठेगा, क्या ये रूल नहीं बैठेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज का, क्या डेबिट एंड क्रेडिट सेम फॉलो नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दिक्कत है, हमें नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं आती है अच्छे से, एंड हमें वो जो फंड अकाउंटिंग है उसके जो ट्रांजैक्शंस है वो हमें अच्छे से वैलिडेट करने नहीं आते हैं, इस कैटेगराइज नहीं करने आते हैं, ये दिक्कत है। तो होप कि जितना भी मैंने डिस्कस किया हुआ है वो तुम्हें समझा है, मैं ये मान रहा हूं। बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, मैं उसमें नहीं घुसना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा काम है नहीं है, क्योंकि अगर तुम एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो काम अपन कर सकते थे, अगर एग्ज़ाम के लिए नहीं बस अपन पढ़ने के लिए थोड़ा सा अकाउंटिंग का जो भी ज्ञान है थोड़ा सा ब्रशअप हो उसके लिए अपन कर रहे हैं ना, यस सर, तो मैं नहीं सर चा हाउ लॉन्ग इट विल टेक मी टू नहीं, वो मैं मेरा काम नहीं है यार, मेरा काम प्रोडक्ट प्रोसेस सिखाना है, मैं तुम्हारा ये बेसिक ही पक्का नहीं है तो मैंने इसलिए तुम्हें सोचा कि ज्ञान दे दूँ थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा दूँ, ताकि तुम अभी लोग 4 4 साल पढ़ाई करके भी अकाउंटिंग नहीं सीख पाते हैं, वो कैसे मैं बताऊँ, यू टेल मी। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है,
तुम्हें हर दिन 1 घंटा उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, अकाउंटिंग एंट्रीज प्रैक्टिस। मैंने पहले ही कहा पढ़ने से काम नहीं बनने वाला है, तुम्हें फॉलो करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तुम्हें सिर्फ अकाउंटिंग का इंटरव्यू निकल के जाना है तो वो हो जाएगा। 2-5-10 सेशंस में अपन वो प्रोडक्ट कवर करेंगे, अपन प्रोसेसेस ओवरव्यू कवर करेंगे, काम बन जाएगा, निकल जाओगे। लेकिन 2 साल बाद फिर से वही आके अटके पड़ोगे, काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि फाउंडेशन ही कच्चा है पूरा, उसमें पूरा बोगस ऐसे मिट्टी भरी हुई है, सीमेंट ही नहीं है, तो काम नहीं बनेगा। वो तुम्हारे ऊपर है, ये कोई आज एक दिन में नहीं सीख पाओगे तुम, ना 2 महीने में सीख पाओगे। तुम्हें हर दिन 1 घंटा बैठना पड़ेगा अकाउंटिंग की। मैंने अभी भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस अगर है तो रीड एंड ये राइट दोनों इम्पॉर्टेंट है। नोटबुक पे हर 15 मिनट, 15-20 मिनट हर दिन प्रैक्टिस करो, 2-4 कंटेंट उठाओ, उसके अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर करो, रूल डिस्कस करो, हर दिन करो। मैं हर दिन करता हूँ वो चीज़, इसलिए मुझे दिन हर दिन करने से समझ में आया। तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एनीवेज तुम उसका प्लान करो कि तुम्हें कैसे अकाउंटिंग पढ़नी है, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेंस। जो हमने ऊपर जितनी भी चीज़ें सीखी, देखी, जो इंटरप्रेट करने की कोशिश करी है, लिंक करने की कोशिश करी है, वो पूरी चीज़ें इन 3 रूल्स के ऊपर ही डिपेंड है। इसलिए हम उसे कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इतना भी अगर ये 3 रूल भी समझे अकाउंटिंग करते समय, तो भी तुम्हारी अकाउंटिंग हो जाएगी। अब अगर ये पहली एंट्री फिर से अगर हम ले, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी बताओ? सेकंड, वेजेस पेड, वेजेस एंड सैलरी पेड एक्सपेंस है, क्या एंट्री होगी? पहले ये सोचना है कि उसमें कितने अकाउंट्स। देखो अभी मैं ये सबके लिए है, जो रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे उनके लिए भी, अगर कोई ऐसी अकाउंटिंग एंट्री आती है या फिर पूछी जाती है तुम्हें इंटरव्यू में, तो उसको इमिडिएटली कैटेगराइज करो। कैटेगराइज कैसे करना है, किसने बोला है कि भाई वेजेस एंड सैलरीज पेड कहा है, ओके पेड कहा है, ठीक है, उसमें 2 एक्टिविटीज कौन से हो रहे हैं। एक तो कैश जा रहा है, पेड का मतलब है कि भाई कैश जा रहा है या फिर आ रहा है, तो मतलब उसमें कैश अकाउंट है बाय डिफॉल्ट। दूसरा उन्होंने कहा है कि वेजेस एंड सैलरीज, वो एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एक एक्सपेंस अकाउंट है, 2 अकाउंट्स है। फिर रूल को याद करो, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल है, यानी कि वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट और एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने पेड वर्ड यूज हुआ है, मतलब हमने पे किया है, फंड ने पेड किया हुआ है, अपनी एंट्री वहां पे पुट कर दो। यहां पे रेंट की जगह मैं ऐसे कहूंगा कि डिविडेंड रिसीव्ड, अब एंट्री बताओ क्या होगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ डिविडेंड की जगह ऐसे वर्ड यूज कर दो, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके सर, ठीक है। तो यहां पे वेजेस की जगह मैं बोलूंगा कि एडमिन फीस है, अब बताओ। एडमिन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये परचेस ऑन क्रेडिट है, इसकी एंट्री बताओ। परचेस अकाउंट डेबिट टू एंटिटी नेम एक्स वाई जेड अकाउंट, और पेएबल भी कह सकते हो क्योंकि तुम्हारे लिए वो लायबिलिटी बन रही है, पे करना ही है ना, देन पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होगा। ओके अब क्या होगी एंट्री और पॉसिबल एंट्रीज क्या बनते हैं? देखो यहां पर तुम्हारी फंड अकाउंटिंग की एंट्रीज भी प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। जैसे अभी मानो जो तुम्हें डिविडेंड, जैसे अभी इसी को लिंक करते करते कि अपन क्या होगा, जैसे एडमिन फीस है, प्रीपेड फीस है, फंड ने प्रीपेड कर दी है, पहले ही पे कर दी है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तब क्या एंट्री होगी? प्रीपेड है, फुल पेड हो गई है फीस, ऑलरेडी पेड हो गई है एडमिन फीस।
अब बत्ती गुल हो गई ना, तो सीक्वेंस पहले बना, प्रीपेड हो गई मतलब फंड ने पहले ही फीस पे कर दी पूरे एंटायर अकाउंटिंग पीरियड की। तुम्हें मैं जो अभी का जो ट्रेंड बताता हूँ, ठीक है, कि अकाउंटिंग एंट्रीज पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो कैश में पे हुई है उसके ऊपर क्वेश्चंस वो नहीं करेंगे। उनको भी पता है भाई, अगर कैश की इतनी एंट्री मैं पूछूंगा एंड बंदा कोई अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो फिर वो उसके पास उतनी ज़्यादा हाई लेवल की स्किल्स नहीं है। हाई लेवल की क्या होती है? टू प्रीपेयर अ एडजस्टेड अकाउंटिंग एंट्रीज, टू प्रीपेयर एन एडजस्टेड अकाउंटिंग एंट्रीज, वो है। एडजस्टेड का मतलब है कि एक अकाउंटिंग एंट्री है जिसके दो इफेक्ट बनेंगे, जैसे आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम है बट वो आउटस्टैंडिंग है दैट एट टू रिसीव्ड, रिसीव्ड इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस प्रीपेड फीस, तो वो एडजस्टेड एंट्रीज है, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पिच होते हैं तुम्हारे। अगर ये ही मैं कह रहा हूँ कि भाई एडमिन फीस कैश पेड हुआ है तो उसकी एंट्री क्या बन रही है वो बताओ। सर, एडमिन फीज अकाउंट डेबिट टू कैश, बन रही है, राइट सर? तो मैंने कहा कि भाई एडमिन फीस फंड ने प्रीपेड कर दी है, पूरी फीस ही दे दी है, पूरी ईयर की फीस दे दी है भाई, तो उसमें पहले एंट्री में तो कुछ बदल नहीं होगा। इतना ही होगा कि हम जो प्रीपेड लगा देंगे आगे, प्रीपेड एडमिन फीस कहेंगे, फीस अकाउंट डेबिट टू कैश कहेंगे, जो भी फीस हो उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हमने प्रीपेड नाम जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया? देखो फंड फंड का क्या हुआ वो पहले देखो, फंड के तो भी जेब से पैसे चले गए ना यार, बिगिनिंग में जब उसने पैसे दे दिए, तो एक तो चीज़ कंफर्म हुई ना तुम्हें कि, क्योंकि देखो जब भी अगर तुम्हें दो चीज़ें डिफिकल्ट बन रही है तो एक एक करके सीखो। जैसे प्रीपेड है मतलब पूरा एक्टिविटी समझो, पूरा पैसा गया है, एक तो पता चला कि भाई कैश अकाउंट क्रेडिट होगा जो मुझे पता है रूल, लेकिन दूसरा डेबिट का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए गया हुआ है भाई एडमिन फीस, तो कहो ना फिर प्रीपेड एडमिन फीस। क्या दिक्कत है? ये तो एक अकाउंटिंग एंट्री बन गई, लेकिन इस पे ना तुम्हारा मैनेजर खुश होने वाला है ना कुछ, क्योंकि इसको मॉनिटर ये अमोर्टाइज करना होता है। अमोर्टाइज का मतलब ये है कि भाई हम अकाउंटिंग किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए करते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल, राइट? अगर मैं 3 महीने के लिए कर रहा हूँ, मुझे फीस पूरे मानो कि मुझे 12 महीने के लिए फीस मिली है, बट मैं अकाउंटिंग तो 3 महीने के लिए कर रहा हूँ ना, राइट सर, तो मैं सिर्फ 3 महीने के लिए ही अकाउंटिंग की फीस एज एक्सपेंडिचर कंसिडर कर सकता हूँ, बाकी की जो फीस होगी वो मेरे लिए दैट इज एन अ करंट एसेट। जैसे कि अगर 1,000 रुपये है तो उसको स्प्लिट कर दो डिवाइडेड बाय 4, कितना बनेगा? 250। 250 तुम्हारा 3 महीने का रिकॉर्डिंग होगा, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि जो एक प्रीपेड एक्सपेंस हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है एंड उसी अकाउंट से हम लोग एक्सपेंस बनाने वाले हैं। सर ये समझाने थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, प्रीपेड फीस, प्रीपेड फीस किया तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री पता चली तुम्हें, है ना? यस सर, डेबिट टू कैश भी 1,000 रुपये प्रीपेड आया हुआ है। अब मैं कह रहा हूं कि तुम तीन, ये तो 12 महीने के लिए आया हुआ है ना भाई, लॉजिक समझो ना, ये तो 12 महीने के लिए है बट मैं सिर्फ 3 महीने की अकाउंटिंग कर रहा हूं, मेरी क्वार्टरली अकाउंटिंग चल रही है, या फिर तुमने मंथली अकाउंट, चलो तुम्हारे अकाउंटिंग के साथ लिंक करते हैं, तुम्हारी मंथली अकाउंटिंग है, आज पूरा 1 महीना पूरा हुआ तो 1 महीने की मुझे फीस अभी एडमिन फीस चार्ज करनी है, तो मैं क्या करूंगा बोलो अब? एडमिन फीस की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है बताओ,
नॉर्मल कैश तुमने पे कर दिया, उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? एडमिन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश, एडमिन फीस डेबिट टू कैश क्यों होगी? अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि जो कैश ऑलरेडी आया हुआ है तो उसको हम कैश फिर से कैसे लिखेंगे? बत्ती जली दिमाग की नहीं जली? कैश तो ऑलरेडी हमने पे कर दिया है, पे कर दिया है तो फिर से कैश नहीं करेंगे ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि डियर जो 1000 एक्सपेंडिचर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कैश बुक में, ऑलरेडी कैश बुक ये एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स बुक में भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, हम कैश बुक में तो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फीस आई है, हमारी फीस आना था वो आई है, खत्म बात। बट जो प्रीपेड प्रीपेड जो बुक है, प्रीपेड बुक है उसमें से एडजस्ट कर सकते हो ना, है ना? कैसे? क्योंकि बहुत जो मतलब ऑलमोस्ट 9 महीने की फीस जो है वो स्टिल प्रीपेड रहने वाली है, राइट? तो इसलिए मैं क्या करूंगा, प्रीपेड फीस अकाउंट डेबिट करूंगा। अभी देखो एडमिन फीस कितनी है, अच्छे से लिख देता हूं मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सेशन। प्रीपेड लिख के लेना एंट्रीज, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सेशन ढूंढते बैठोगे। प्रीपेड फीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मानो 1000 रुपये है, राइट? ये तो हुआ पूरे साल का एक बार कैश आया था इसलिए, बट मैं कह रहा हूँ कि जब अकाउंटिंग तुम्हारी अभी 3 महीने की खत्म हुई है, क्वार्टरली अकाउंटिंग तुम कर रहे हो, तो उस फीस को तुम्हें अमोर्टाइज करने का मतलब है कि भाई देखो अकाउंटिंग का अभी दूसरा रूल मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी एक्सपेंडिचर्स है, अगर इस महीने के एक्सपेंडिचर्स, इस महीने के मतलब इन शॉर्ट जो एक्सपेंडिचर्स हम रिकॉर्ड करेंगे, जो इनकम हम रिकॉर्ड करेंगे, जो लायबिलिटी और एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, वो उतने ही ड्यूरेशन की होनी चाहिए जितने ड्यूरेशन की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या समझा तुम इस रूल से, क्या समझ में आया? अगर मैंने एक क्वार्टर की अकाउंटिंग करनी है तो एक क्वार्टर में जितने एक्सपेंडिचर्स और जितने इनकम आया उतना एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटी उतने ड्यूरेशन के लिए मैच होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने, अगर इस केस में देखोगे प्रीपेड फीस मुझे 12 महीने की, आने वाले 12 महीने की आई है अभी, मैं तो अकाउंटिंग अभी की कर रहा हूं, मैं तो अकाउंटिंग 3 महीने की कर रहा हूं, तो 9 महीने की फीस फिर भी मेरे पास एक्स्ट्रा आई है, उसका मैं क्या करूं बताओ मुझे? अकाउंटिंग के हिसाब से मैं नहीं ले सकता, या फिर अकाउंटिंग के हिसाब से मैं दूसरे अकाउंटिंग पीरियड की जो फीस एक्सपेंडिचर इनकम होगी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए रूल दिया गया है, जो भी तुमने प्रीपेड पे किया हुआ है वो तुम्हारा करंट एसेट होगा, क्योंकि अगर तुमने यही प्रीपेड एक्सपेंस जो है दूसरों के लिए करंट लायबिलिटी है, डियर समझ रहे हो तुम? क्योंकि वो बोलेगा मैंने सर्विस ही नहीं दी है तो भी मुझे फीस आई है, हमने सर्विस नहीं ली है फिर भी हमने फीस दी है, हम इस फीस को कभी भी रिवर्स मांग सकते हैं, वो कभी भी अपनी सर्विस डिनाई करके अपनी फीस हमें रिटर्न कर सकता है, इसलिए वो कहता है कि भाई वो मेरे लिए करंट लायबिलिटी है, तुम्हारे लिए करंट ये एसेट है। एंड जब अकाउंटिंग पीरियड, मानो 3 महीने की हमें फंड एडमिन ने 3 महीने की अकाउंटिंग सर्विस दी है ना, 3 महीने की अगर अकाउंटिंग सर्विस दी है तो हमें 3 महीने की फीस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो बताओ? हाँ, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी?
बताओ, तुम बताओ, मैं बताने से कुछ नहीं, मुझे तो बहुत कुछ पता है, तो मैं बता के क्या करूँ। कम ऑन, एडमिन फीस अकाउंट डेबिट देखो टू दिमाग में कन्फ्यूजन है तो रुको मत, बोल दिया करो, तो मुझे समझेगा कि तुम गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलने का कोशिश होना चाहिए। एडमिन फीस अकाउंट डेबिट टू, जल्दी, कैश नहीं लिख सकते हम, क्योंकि कैश ऑलरेडी आया हुआ है। नॉर्मल एंट्री होती कैश पेड की तो लिख सकते थे, लेकिन इस केस में हमें कैश नहीं आया हुआ है। ये जितनी भी ऑडियंस देखेंगे मैं उनको भी कहूंगा, ये ऐसे अकाउंटिंग एंट्रीज प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें एक लॉजिक लगाना है। वो लॉजिक यही है कि भाई देखो, एक्सपेंसेस की जो एंट्री होती है नॉर्मल क्या होती है, अगर एक्सपेंस पेड कर दिया फंड ने, एडमिन फीस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, खत्म बात। लेकिन कैश तो हमें ऑलरेडी आया हुआ है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रीपेड एडमिन फीस अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है उसको क्रेडिट लिखना पड़ेगा। अब बोलो कि वो क्यों? देखो ये 12 महीने का है मसला, ये 3 महीने का है। जो नोट बनेगी, वर्किंग नोट जो बनेगी, फीस पेड फॉर 3 मंथ्स 1000 इंटू, अगर तुम्हारा ये डायरेक्टली करना है तो तुम उसे 12 में कर दो, जो निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो मंथ वाइज, या फिर अगर हमें पता है कि 4 क्वार्टर है उसमें तो वो कर दो, 225 एक क्वार्टर का आएगा। हम सिर्फ एक क्वार्टर का कंसिडर कर रहे हैं, हमारा सिर्फ जो फीस होगा 225 रुपये हम इस महीने के फीस में कंसिडर करेंगे, ख़त्म बात। बाकी एज इट इज़ जो भी पैसा बचेगा यहाँ पर, जो बैलेंस बच रहा है यहाँ पर, जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस 750 रह जाएगा प्रीपेड में। क्योंकि जब हम प्रीपेड फिर से एंट्री ये करेंगे कि प्रीपेड कितना रहेगा, उसकी अकाउंटिंग एंट्री प्रीपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो प्रीपेड का जो हमने लेजर क्रिएट किया हुआ था, पहला बैलेंस जैसे क्रेडिट दिखेगा तो दूसरा जब फीस चार्ज होगा तो डेबिट दिखेगा। मतलब यहाँ पे जो टोटल नेट बनेगा वो 750 रह जाएगा, किसमें? प्रीपेड में। इवेंचुअली जो प्रीपेड है ना वो जीरो करके लेके, जीरो करते हैं हम लोग एट द एंड। प्रीपेड कुछ रहना ही नहीं चाहिए, पूरा कैश दिखना चाहिए, एंड वही काम कर रहे हैं। ये तुम एंट्री प्रीपेयर कर रहे हो मतलब उसको तुम अमोर्टाइज करना, मतलब उसको कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, बता रहे हो कि कैश आ गया उसका मुझे, मतलब अब मैंने उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसा तुम बता रहे हो उसको, क्योंकि कैश तो पहले ही आ चुका है। लेकिन जो प्रीपेड जो तुमने लिखा है ना, उसको प्रीपेड हटाना है, हमें प्रीपेड हटाना है, तो हमारे पास ये मेथड बनती है, एडमिन फीस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड फीस अकाउंट क्रेडिट 250 250, जितनी फीस जितने भी पीरियड के लिए हो रही है उतनी ऐसे रिकॉर्ड होती है। अब इसको अगर समझा भी नहीं है तुम्हें तो एक लॉजिक जो है तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर्स का वो पुट करो, एंड दूसरा लॉजिक जो होगा ये वाला कैश का, कैश अकाउंट इफ कैश कम्स कैश डेबिट क्रेडिट, वो जो रूल है वो रियल अकाउंट का वो पुट करो। तुमने अगर ये भी प्रिपेयर कर लिया, इतना भी अगर लिखा, एंड थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाया कि अगर कैश पहले से आया हुआ है तो हम दोबारा कैश क्रेडिट नहीं कर सकते, तो क्या बचेगा? बचने वाला जो पोर्शन है प्रीपेड वो लिख दो, तुम्हारी एंट्री खत्म हो जाएगी अब यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हें और एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये ज़रूरत नहीं है बताने की बट बता देता हूँ, यहाँ तक भी अगर नहीं समझा हुआ है तो अब देखो, जो प्रीपेड फीस है ना, प्रीपेड फीस, ये प्रीपेड फीस जो है ये कहाँ पे जाएगा पोर्शन? एसेट साइड में जाएगा। बट यहाँ पे एसेट साइड की हमें घराने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पेड है तो वहाँ पे अपडेट होगा, जो प्रीपेड टोटल फीस है उसमें से अमाउंट, जैसे बैलेंस शीट साइड में ऑलरेडी 1000 रुपये दिखेगा, जब तुम अकाउंटिंग कर रहे हो तो तब तुम क्या करोगे, एडमिन फीस के नाम से 250 काट लोगे, तो यहाँ पे मतलब बैलेंस शीट पे 750 ही बचेगा, एंड जो बची कुछ जो 250 जो अमाउंट है हम प्रॉफिट एंड लॉस पे लेके आते हैं, यानी कि वो PNL डेबिट साइड जाता है। तो वहां पे एंट्री क्या होगी फिर? PNL अकाउंट डेबिट टू एडमिन फीस अकाउंट। अगर इतना भी अगर तुम्हें आता है, ये वाला भी पोर्शन अगर समझता है, तो उल्टा रिवर्स पैटर्न में एंट्रीज प्रिपेयर करते जाओ। पहली एंट्री होगी मेरी PNL अकाउंट डेबिट टू एडमिन, क्योंकि PNL
पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड ही हमारा फीस रिकॉर्ड होता है, जो चार्ज होता है वो, ठीक है। फिर क्या होगी उसके बाद, क्या होगी फिर अगर एडमिन फीस क्रेडिट जाएगा, सॉरी एडमिन फीस अगर यहाँ पीएनएल में इधर इस एक अकाउंट में अगर तुम्हारा क्रेडिट दिख रहा है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो एडमिन को, फिर एडमिन को हमने डेबिट कर दिया, एंड फिर जो बाकी का दूसरा जो पोर्शन था वो प्रीपेड का, उसको क्रेडिट कर दिया। अगर दूसरे एंट्री में एडमिन डेबिट हो रहा है तो पहले एंट्री में क्या होगा, तो ऐसे उसको रिवर्स पैटर्न में भी आप कर सकते हो। बट ये अगर डिफ़िकल्ट बनेगा तो इसको छोड़ दो, जो हमने सही पैटर्न में डिस्कस किया हुआ है तो वो देखो। हम यहाँ पर रुकने वाले हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके आगे अगर हम डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगी चीज़ें। तो हम जो बाकी की चीज़ें टेक्निकल टर्म्स वगैरह है, एक एग्जांपल्स मैं इसके ऊपर लेना चाहता हूँ ताकि पता तो चले कम से कम तुम्हें क्या चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर जो अकाउंटिंग एंट्रीज है लास्ट का इतना चैप्टर एक देख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ बताया गया है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री जैसे पहले तो ये अकाउंट इन्वॉल्वमेंट पहचानो, एक बैंक अकाउंट है उसमें एक कैपिटल अकाउंट है, एंड दोनों पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। पर्सनल क्यों, कैपिटल अकाउंट किसी बंदी ने ट्रांसफ़र किया हुआ है, हो सकता है कोई इंस्टीट्यूशंस हो या फिर कोई इन्वेस्टर हो इंडिविजुअल, उन्होंने किया हुआ है। बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन पर्सनल अकाउंट में ही आती है, तो उसका रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो वहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेजेस एंड सैलरीज पेड के लिए देखो, एक है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल। सैलरीज बैंक, डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट गिवर, पर्सनल आ रहा है तो उसके हिसाब से एंट्री बनेगी। रेंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट। परचेसेस मेड ऑन अ क्रेडिट्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड देन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट्स टू कैश, जब तुम पे करोगे उसको। तो सेम इन केस ऑफ सोल्ड ऑन, अगर ये चेक पेमेंट आया हुआ है तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई एम डन विथ टूडे सेशन, नाउ योर टाइम, तुम जो कह रहे थे वो कंटिन्यू करना, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस रिकॉर्ड।